Welcome students, in this video we will read RBSE 12th standard compulsory English book first, Rainbow. Lesson 12th, poem first, The Noble Nature, written by Ben Jonson. This is a small poem but it has great sense. As example, our Prime Minister Modi ji asked us to clap, to ring the bell, to lit the lamp in honor of Corona warriors. It was very simple for us, but it was hallmarks of greatness for our society and country people. People small in size and with a brief life span may also be great if they do some important work or noble act. Now we are reading this poem. Poem, The Noble Nature, Uttam Swabhav. स्वभाव का नाम आते ही आपको ध्यान में आ जाएगा, आ गया होगा. स्वभाव का मूल्यांकन जो है किसी व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करता है, या वो अच्छे कार्य करता है या बुरे कार्य करता है, वो कितना समाज या देश के काम आता है, इन चीज़ों का जो है मूल्यांकन इसमें हो जाता है. इसमें जो है कवि बेन जॉनसन एक संदेश देना चाहता है. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी. ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, बल्क यानी बड़ा, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 ईयर. ऑक का मतलब होता है बलूत का पेड़. बलूत एक तरह का पेड़ होता है जो 300 वर्षों तक रहता है. टू फॉल ए लॉग, लॉग का मतलब होता है एक लट्ठा डंठल के रूप में. एट लास्ट ड्राई बेल्ट एंड शेयर, बेल्ट का मतलब होता है बिना पत्तियों के एक डंठल के रूप में, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है. शेयर यानी सूखा हुआ. तो इसमें कवि हमें ये मैसेज देना चाहता है कि मनुष्य का बड़ा होना और अधिक लंबे समय तक रहना, जिस तरह से एक बलूत का पेड़ 300 वर्षों तक जीवित रह करके भी किसी भी प्राणी पक्षी के काम नहीं आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. वो जो है लास्ट में 300 वर्ष के बाद में एक सूखे हुए डंठल के रूप में, बिना पत्तियों के रूप में जो है गिर करके नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है. दूसरी तरफ जो है कवि हमें ये कहना चाहता है, अ लिली ऑफ ए डे, लिली का मतलब होता है कुमुदनी, कुमुदनी का एक छोटा पौधा होता है, इज़ फेयरर फार इन मई, जो कि मई माह के अंदर खिलता है, अपनी सौंदर्य को प्रकट करता है. ऑल दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि वो जो है उसी दिन, जिस दिन वो जो है खिलता है उसी दिन रात्रि के अंदर जो है वो नष्ट हो जाता है. इट वॉज द प्लांट ऑफ फ्लावर ऑफ लाइट, वो एक रोशनी का पौधा है, आकर्षित करने वाला पौधा है. इन स्मॉल प्रोपरेशन वी जस्ट ब्यूटी सी, स्मॉल प्रोपरेशन का मतलब होता है आकार, एक छोटे से रूप के अंदर हम उसकी सुंदरता को, उसके सौंदर्य को देख सकते हैं. एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और एक छोटी सी अवधि के अंदर उसे अपने जीवन को सफल करते हुए हम देख सकते हैं, उसके जीवन को जो है उसके मतलब उद्देश्य को हम देख सकते हैं. यानी एक लिली का जो छोटा पौधा होता है वो सभी को जो है मंत्र मुग्ध कर देता है, उसकी सुंदरता सभी को भा जाती है, सभी लोग जो है उसको देख करके खुश हो जाते हैं. तो इसमें जो है पहला जो अंतर है उसमें कवि हमें ये कहना चाहता है, जैसे हमने एक दोहा पढ़ा होगा, पढ़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर. यानी बड़ा होना जिसमें जो उसका कोई उपयोग नहीं होना, फल भी नहीं मिलना, छाया भी नहीं मिलनी, तो इस तरह का जो मनुष्य का जो जीवन होता है जो किसी के काम नहीं आता है वो एक निरर्थक रूप में है. दूसरी तरफ
कभी कभी जो कहता कहना चाहता है उसके लिए हमने एक दुआ पढ़ा होगा, सत सही है कि दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर। तो इसमें जो है हम इस पॉइंट में हम ये समझते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो हमारे समाज राष्ट्र के काम आता है, उपयोग में आता है। तो इसमें जो है बेन जॉनसन हमें इस कविता के द्वारा ये संदेश देना चाहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।